देश में इतने लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस की सरकारों ने यदि देश में थोड़ा भी विकास किया होता तो आज देश और हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में बहुत आगे होता। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने केवल जनता को जन कल्याण के सपने दिखाकर केवल छल ही किया है। ये जुबानी हमला राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला है। उन्होंने मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा कुछ नया मुद्दा चुनाव के दौरान निकालती है, लोगों को बरगलाती है और फिर अपने वादे को पूरा नहीं करती। 60-65 साल से अधिक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और 55 साल से अधिक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। अब इतने साल तुमने राज किया और हमेशा नारा देते रहे कांग्रेस गरीबों का भला कौन करेगा, कांग्रेस यहाँ से भ्रष्टाचार कौन हटाएगा, कांग्रेस गरीबी कौन हटाएगा, कांग्रेस अलगाववाद कौन हटाएगा, कांग्रेस दंगे फसाद कौन दूर करेगा, कांग्रेस कश्मीर की समस्या का कौन हल करेगा, कांग्रेस राम मंदिर राम 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 कांग्रेस। लेकिन बताओ ये सब तो मोदी जी को ही करना पड़ा। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा तो मोदी जी ने, राम मंदिर बनाया तो मोदी जी ने, कश्मीर की समस्या हल की तो मोदी जी ने, दंगा फसाद खत्म किया तो मोदी जी ने, गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई तो मोदी जी ने। तो भाई आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी प्रदेश के लोगों को बरगला रही है, झूठ बोल रही है, अनेकों चीजें कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये आदत है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बिलासपुर में दावा किया कि बिलासपुर को मिले बड़े प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी की देन है। इसमें एम्स, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को आगे बढ़ाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार में किया गया। प्रतिभा सिंह ने यहां जयराम सरकार के कार्यकाल में स्कूलों में अध्यापक न होने और अस्पतालों में चिकित्सक न होने का आरोप लगाया और लोगों से बिलासपुर सदर से कांग्रेस उम्मीदवार बब्बर ठाकुर के पक्ष में वोट देने की अपील की। साहब ने जो काम किए वो 50 साल में नहीं वो काम हो सकते। एक क्षेत्र में चार चार कॉलेज, 10+2, कितने CHC, कितने PHC। पर दुख आज इस बात का है कि उन इन 5 वर्षों में उन सब में ताड़ा लगा हुआ है। कोई भी ना वहाँ का सिविल हॉस्पिटल चल रहा है, ना CHC चल रही है, ना PHC चल रही है। स्कूल कॉलेज में तो आपको पता है टीचरों का कितना अभाव है, कोई टीचर ही नहीं है पढ़ाने वाला, तो उसमें भी बच्चों को क्या उनकी दुर्गति हो रही है वो आप सब जानते हैं। आज अस्पताल चले जाओ तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं, सारे डॉक्टर कहीं कोई कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कोई कहाँ ट्रांसफर कर दिया, खाली पड़े हैं अस्पताल। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी KL ठाकुर ने किया खेड़ा में नुक्कड़ सभा को संबोधित और इस दौरान उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी लखविंदर राणा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राणा का पूरा परिवार माफिया राज चला रहा है और नालागढ़ में इन गुंडा राज इन लोगों ने फैला रखा है। और ठाकुर ने कांग्रेस के प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि 5 साल बाबा गायब रहा और जब चुनाव का समय नजदीक आया तो डालागढ़ की जनता उन्हें याद आ गई। सिरमौर